हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का राधा कृष्णन 95 चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने लड्डूपाल जी के जो मेरे पास बर्तन है, बर्तन का कलेक्शन दिखाना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो बर्तन है फ्रेंड्स मेरे पास लड्डूपाल जी के, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, मेरी लड्डू जी की कटोरी है छोटी सी, जिन पर मैं भोग लगाता हूँ। और फ्रेंड्स, ये चांदी के बर्तन है, तो आप देख सकते हैं। ये सबसे पहले मैं आपको ये कटोरियाँ दिखा रहा हूँ जिसपे भोग लगता है मेरे लड्डू जी के लिए। और फ्रेंड्स ये देखें, ये बड़ी कटोरी है, जैसे कोई उत्सव में जब खीर लगाते हैं भगवान को, तो ये है। और इसके साथ फ्रेंड देख सकते हैं, ये एक आचमनी है जिससे हम लोग लड्डू जी को पानी के लिए ऑफर करते हैं। और फ्रेंड्स ये देखें, ये इनकी गिलास है छोटी सी, तो छोटी सी फ्रेंड्स ये गिलास भी आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये इनका लड्डू जी का बड़ा सा गिलास है जिसमें फ्रेंड्स रात में हम लोग इनको दूध लगाते हैं लड्डू जी को, जब लड्डू सोते हैं रात में। और फ्रेंड्स इनके खाने की थाली भी आप देख सकते हैं, ये फ्रेंड चांदी की थाली है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, लड्डू जी के बर्तन में आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये इनकी थाली है। और इस तरह से फ्रेंड इसमें हम एक कटोरी लगा देते हैं, बड़ी कटोरी लगा देते हैं और ये छोटा सा गिलास रख देते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से लड्डू जी की थाली आप देख रहे हैं। और ये फ्रेंड चांदी का गिलास है जिसपे लड्डू दूध पीते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ही पुराने बर्तन हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं आपके पास बर्तन की दुकान हो, लेकिन जितने बर्तन हो वो यूज़फुल हो, बर्तन थोड़े हों लेकिन अच्छे हों। तो फ्रेंड्स वही बर्तन मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये चांदी के बर्तन है जो थोड़ा बहुत जो लड्डू जी के लिए यूज़ होते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिस पे लड्डू जी को पानी रखा जाता है रात में। और फ्रेंड इसी तरह फ्रेंड देख सकते हैं, ये कटोरी है, 56 भोग वगैरह जब उत्सव होते हैं तो फ्रेंड इस तरह की कटोरी पर ही लड्डू जी को भोग रखा जाता है, अर्पण किया जाता है। तो ये भी आप देख सकते हो। और फ्रेंड एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भगवान के लिए कृपया स्टील के बर्तन ना यूज़ करें फ्रेंड, और पीतल और फूल के बर्तन यूज़ करें। तो फ्रेंड देख सकते हैं इस तरह के फ्रेंड्स ये मेरे पास कटोरे हैं जो बहुत ही पुराने हैं फ्रेंड्स, और इस पर मालपुआ खीर वगैरह उनको अर्पण किया जाता है। ये भी आप देख सकते हैं, ये पुराने बर्तन फ्रेंड्स जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बड़ा कप है, इस पर फ्रेंड्स हम लोग राधा कृष्णा जी के लिए रखते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और दूध वगैरह फ्रेंड्स मैं आपको आप ये चांदी के ग्लास में ही दें, क्योंकि पीतल में दूध वगैरह देना सही नहीं रहता है, दूध खराब हो सकता है, तो चांदी का आप यूज करें, चांदी में सही रहता है। इसके अलावा फ्रेंड देख सकते हैं, ये मेरे पास एक छोटा सा कलश है जिसको हम लोग लोटे के रूप में यूज करते हैं, और इसको राधा कृष्णा जी के लिए रात में पानी रखने के लिए भी यूज किया जाता है। फ्रेंड बर्तन अगर आपके पास हो तो आप उनको यूज कर सकते हैं किसी भी काम के लिए। और इसी तरह फ्रेंड देख सकते हैं, ये एक लोटा और है पीतल का जो हम लोगों ने लिया था। ये फ्रेंड बहुत पुराने बर्तन है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो आप भी फ्रेंड इनको ले सकते हैं। तो आप इस लोटे को देख सकते हैं, अच्छे हैं फ्रेंड, इनका पीतल भी अच्छा है, इस पर डिज़ाइन भी बनी हुई है, तो आप इनको ले सकते हैं। और ये मुड़ने के लिए इस पर ढक्कन भी है, फ्रेंड कोई भी चीज़ खुला ना रखें। इसी तरह फ्रेंड देखें, एक तस्तरी हम लोगों ने और ली थी लड्डू जी के लिए, जैसे रोशना वोशना वगैरह लगाना होता है लड्डू जी को किसी उत्सव में, जैसे रक्षाबंधन है या कुछ है, तो फ्रेंड इस तरह तस्तरी में रोली वोली सजा कर, फूल सजा कर, रोचना तैयार करके लड्डू जी को लगाने के लिए फ्रेंड इसका भी यूज होता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखें फ्रेंड ये सरवा है, और फ्रेंड ये ज़्यादातर सब घरों में होता है, ये फूल का है फ्रेंड। तो ये फ्रेंड बहुत ही पुराना है फ्रेंड्स, मेरी दादी इस पर भगवान जी को नहलाया करती थी, बहुत ही पुराना फ्रेंड से सरवा है। तो लड्डू जी को नहलाने के लिए, शालिग्राम जी को नहलाने के लिए फ्रेंड ये भी आपके पास होना चाहिए। ये एक प्रमुख बर्तन है जो कि लड्डू की सेवा में जरूर रखें आप। तो फ्रेंड ये कुछ बर्तन थे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो मैंने आपको दिखाए, इस तरह के बर्तन फ्रेंड्स आप लोगों के पास होने चाहिए। ये फ्रेंड्स कटोरी भी होनी चाहिए ताकि आप लड्डू जी को आराम से भोग लगा सकें, उनकी सेवा कर सकें। तो कुछ बर्तन फ्रेंड मेरे पास थे, मैंने आपको शेयर कर दिए, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये डिज़ाइनर कटोरी है फ्रेंड, ये मिल जाती हैं आपको ज्वेलरी की दुकान में आसानी से मिल जाएंगे, इस तरह की आचमनी वगैरह चांदी के बर्तन आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर दी हैं, और जो वक्त मेरा देखना चाहते थे कलेक्शन लड्डूपाल जी कलेक्शन कैसा लगा, ये देख सकते हैं।
मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे फ्रेंड्स।